कंफर्म होता है, कंफर्म होता है, बता रहा हूँ। इसको मैंने देखा है अक्सर शादी में। लो भाई हाजरीन, मैंने अपना तारफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम है रफीक अहमद और हम कोई खानदानी तेली कुमार या मरासी नहीं है, जत्ती पुश्ती रईस है। इसीलिए आपा जी ने मेरे एक बेटे के बाद दूसरे बेटे को भी अपनी फर्जंदी में लेने का फैसला किया है। ये काश मैं खानदानी ना होंदी, मैं इनकार कर देंदी, पर मैं खानदानी होने की वजह नाल मेरे जबान ते ताला लग गया है। अम्मा जी आप परेशान ना हो, रानिया सब ठीक कर देगी, हौसला रखे हैं, टेंशन ना ले। रानिया ने कहा अगर वैसा नहीं हुआ ना तो फिर अपना इंतजाम करके जाना है। लो भाई डेढ़ तोले की तो मैंने अंगूठी बनवाई है अपनी बहू के लिए और उसमें लगवाया है असली याकूत, उसकी कीमत मैं बाद में बताऊंगा। तो आपा जी बुलाए ना राबेल बेटी को ताकि मैं उसकी अमानत, बल्कि दोनों मानते हैं, उसके हवाले कर दूं, एक तो ये घुटी और दूसरा खावड़, उसके बाद जो मर्जी आए चाहे वो इन दोनों के साथ करे। जा सीमा बुला के ले आ जी। ओके ओके गुड लक, ठीक है, समझ गया ना। इनकार करेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ले भाई खावर पुत्र, बना दे अंगूठी है। अब्बा नहीं नहीं नहीं। क्या क्या खाओ भाई, क्या नहीं क्या? अम्मा जी नहीं, हमारे दूल्हा भाई ना बहुत ही मजाकिया हैं, खुल के बोले दूल्हा भाई क्या नहीं। शर्मा रहा है, बहुत शर्मीला है मेरा बच्चा। दुल्हन को अंगूठी पहनाने से शर्मा रहा है। जन्नत मकानी इसकी माँ जिंदा होती तो वो पहनाती अपनी बहू को अंगूठी, लेकिन कोई नहीं आपा जी, मैं इसका बाप हूँ, मैं पहना देता हूँ अपनी बहू को अंगूठी। ले पुत्र हाथ अगे कर। और अमीर खानदानों में ऐसे थोड़ी ना होता है, बहुत बुरा मनाया जाता है। हाँ हाँ। खावर भाई कुछ कह रहे थे, खावर भाई बोले ना, क्या कह रहे थे आप? बोलो बोलो खावर। खुल के बोले, खुल के, खुल के। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ।